ISFR रिपोर्ट 2021 और इसी तरह के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि स्टेट पीएससीज में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो वो कैसे टॉपिक्स, जैसे कि नेशनल पार्क्स और क्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, स्प्रिंग्स, रिवर्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो इसी क्रम में बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए, आपका 68वें बीपीएससी को मद्देनजर रखते हुए हम आज देखेंगे आपकी 17th ISFR रिपोर्ट जो कि पब्लिश हुई 2021 में। ठीक है, 2021 में बाई एनुअल रिपोर्ट होती है, ये बाइनियल निकलती है। ठीक है, यानी 2 साल में एक बार आती है। ओके, 2 साल में एक बार आती है। ठीक, तो इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि अगली रिपोर्ट आपकी आएगी 2023 में। 2023 में आएगी तो आपका 68वीं बीपीएससी और 69th बीपीएससी बोथ आर प्लान्ड इन 2023 ओनली। और ये रिपोर्ट आती है कहीं जाके दिसंबर के आसपास। तो इन दोनों के लिए हमारा कौन सी रिपोर्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कि आपकी ISFR 2021। ठीक है, सो इन दिस सीरीज विल कवर ऑल द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड डेटा। ठीक है, जो कि यहाँ आपके इस रिपोर्ट से मिलता है फॉर योर 68th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि फर्स्ट टाइम इन इंडिया, ठीक है, रिपोर्ट जो फॉरेस्ट रिपोर्ट कब पब्लिश की गई, तो 1987 में। ठीक है, पहली रिपोर्ट जो है फॉरेस्ट रिपोर्ट इंडिया में आई 1987 में। उसके बाद कौन सी सैटेलाइट यूज की जाती है रिपोर्ट को पब्लिश करने के लिए, तो रिसोर्स सेट टू। ठीक है, और दूसरा जो है, अगर हमको फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ना है, ठीक है, तो परसेंटेज एरिया जो निकालेंगे कि फॉरेस्ट कितना परसेंटेज है, तो वो इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार ही निकालेंगे। तो उसके लिए हमको और क्या पता होना चाहिए, टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार दैट इज 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, विच इज 2.86% ऑफ आर नेशंस जियोग्राफिकल एरिया, या इंडिया टोटल जियोग्राफिकल एरिया का, बिहार का टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है, 2.86%, 2.86%। ठीक है, चलिए, तो ये तो हमने देखा कि क्या है। अब देखते हैं इसमें ISFR रिपोर्ट में हमको देखना है कि बिहार में वनावरण, वृक्षावरण, ठीक है, या फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर कितना परसेंटेज है एरिया वाइज, परसेंटेज वाइज। तो ये सारे डेटाज हम 1 बाय 1 करके देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आफ्टर डिवीजन इन 2000, इन द ईयर 2000, 15 नवंबर 2000 को बिहार का थर्ड डिवीजन हुआ। फर्स्ट डिवीजन वाज हेल्ड इन 1912 व्हेन इट वाज सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल। ठीक है, तो जॉइंटली बिहार और उड़ीसा को बंगाल से सेपरेट किया गया इन 1912। ठीक है, कब, जबकि बंग विभाजन हुआ था। ठीक है, उसके बाद बंग पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। फिर 1911 के दरबार में, ठीक है, दरबार में वो फिर से नल कर दिया गया। ठीक है, नल एंड वॉइड कर दिया गया। उसके बाद जो है 1912 में बिहार को अलग किया गया बंगाल से। बिहार को अलग किया जाता है अलॉन्ग विद उड़ीसा, एंड एट दैट टाइम उड़ीसा एंड बिहार वाज अ पार्ट। ठीक है, सेम पार्ट थे। और सेकेंड डिवीजन होता है इन 1936 व्हेन उड़ीसा वाज पार्टेड फ्रॉम बिहार। ठीक है, और नेक्स्ट डिवीजन होता है इन ऑन 15 नवंबर 2000। 2000 में 3 नए राज्य बने थे और इसी में बिहार का भी एक क्रम आता है। बिहार से 15 नवंबर 2000 को क्या किया गया, झारखंड को अलग कर दिया गया। झारखंड वाज सेपरेटेड और पार्टेड फ्रॉम बिहार ऑन 15 नवंबर 2000, एंड दिस वाज द थर्ड पार्टीशन और डिवीजन ऑफ बिहार। ठीक है, चलिए, तो ये जो है इस समय जब पार्टीशन हुआ तो हाउ मच शेयर ऑफ द लैंड वाज ट्रांसफर्ड टू दी झारखंड। ठीक है, इंटायर एरिया का कितना परसेंट स्टेक जो है या पीस जो है वो झारखंड के पास गया, तो पीस वाज 45.85% ऑफ द टोटल लैंड शेयर वर ट्रांसफर टू दी झारखंड स्टेट। ठीक है, न्यूली फॉर्म झारखंड स्टेट। चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो फॉरेस्ट कवर की बात करते हैं। तो बिहार में टोटल जियोग्राफिकल एरिया का इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना फॉरेस्ट कवर है, फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर अलग अलग होता है, तो उसकी डिफिनेशन जो है हम जब कवर करेंगे ISFR आपका नेशनल, तब आराम से वहां पे देखेंगे। अभी जो आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो पूछा जा सकता है हम उसी को हिट करते हैं। टोटल फॉरेस्ट कवर इन टर्म्स ऑफ एरिया इज 7380.99 स्क्वायर किलोमीटर और किलोमीटर स्क्वायर। कितना 7380.99 या इसको 81 कह सकते हो, 7381 स्क्वायर किलोमीटर, विच इज 7.84% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार। 7.84% बिहार के टोटल भू क्षेत्र का कितना है, फॉरेस्ट कवर है या वनावरण है, वनावरण, ठीक है, या वन आवरण, ठीक है, कितना 7.84%। ये ट्री कवर नहीं है, दिस इज जस्ट फॉरेस्ट कवर, ठीक है, ट्रीज कवर नहीं है, ठीक है। और इसमें जो ग्रोथ हुई फ्रॉम 2019 रिपोर्ट जो ISFR 2019 की आई थी, उससे कितना बढ़ा वनावरण में, तो 75 स्क्वायर किलोमीटर, 75 स्क्वायर किलोमीटर ग्रोथ हुई, ठीक, किसमें, फॉरेस्ट कवर में, ठीक है। ट्री कवर की बात करें तो ट्री कवर इज 2341 स्क्वायर किलोमीटर, 2341 स्क्वायर किलोमीटर इज ट्री कवर इन बिहार, ठीक है। लेकिन इसमें जो ग्रोथ है वो अच्छी खासी हुई है, 338 स्क्वायर किलोमीटर की ग्रोथ हुई है, तो इससे पहले कितना रहा होगा, 2000 के आसपास रहा था, ठीक है, और 2341 बढ़ा था, अच्छी खासी ग्रोथ हुई है। और ये 2341 जो स्क्वायर किलोमीटर ट्री कवर है, ये बिहार के टोटल जियोग्राफिकल एरिया का 2.48% और अराउंड 2.5% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार इज ट्रीड कवर, ठीक है, ट्री कवर्ड, ट्री कवर्ड। चलिए, एंड ग्रोथ, अगर ग्रोथ की बात करें फ्रॉम 2019 रिपोर्ट, ठीक है, तो 1.03%, 1% का ग्रोथ हुआ है इन ट्री कवर, ठीक है। फॉरेस्ट कवर में तो बहुत हल्का सा हुआ है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, स्क्वायर किलोमीटर में 75 स्क्वायर किलोमीटर है तो लगभग सिमिलर है, ठीक है। ट्री कवर कितना है 2341 और फॉरेस्ट कवर है 7380, ठीक है, और ये परसेंटेज में 7.84 है और ये 2.48 है, ठीक है। अगर टोटल दोनों को कंबाइंड कर दिया जाए, यानी क्या क्या, 7380 स्क्वायर किलोमीटर और 2341 स्क्वायर किलोमीटर को, तो ये कितना आ जाएगा, 9722 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, विच इज कितना है 10.33% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार। 10.33% अगर फॉरेस्ट और ट्री कवर को कंबाइंड काउंट किया जाए तो कितना परसेंटेज ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार कवर करता है, तो 10.33%, एंड इन स्क्वायर किलोमीटर इज इट इज अराउंड 9722 स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है। कितने का कंबाइंड ग्रोथ हुआ है, तो 338 प्लस 75, 338 प्लस 75, 75, देन कंबाइंड ग्रोथ इज 413 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। इसमें आपका क्या क्या, ट्री एंड फॉरेस्ट कवर बोथ विल बी काउंटेड, ठीक है। चलिए, तो हमने फॉरेस्ट एंड ट्री कवर देख लिया बिहार में, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको आप जरूर याद करके जाएंगे। कितना, तो फॉरेस्ट कवर कितना है, फॉरेस्ट कवर है 7.8%, फिर से रिकॉल 7.8%, 2.48% इज ट्री कवर, और कंबाइंड है 10.33% फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, ठीक है। फॉरेस्ट कवर कितना है 7380 स्क्वायर किलोमीटर, ट्री कवर है 2341 स्क्वायर किलोमीटर, कंबाइंड है 9722 स्क्वायर किलोमीटर, कंबाइंड ग्रोथ इज 413 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। 75 कितना है ग्रोथ हुआ है इसमें आपका फॉरेस्ट में, और 338 स्क्वायर किलोमीटर ट्रीज में ग्रोथ हुआ है, और ये कंबाइंड ग्रोथ 413 है, ठीक है। चलिए, बस इतना ही जानना है और कुछ नहीं जानना है, आगे बढ़ते हैं। नहीं तो अब जो ये 7 टोटल जो आपका फॉरेस्ट कवर है, ये ट्री कवर इसमें काउंट नहीं, ओनली हेयर वी आर काउंटिंग ओनली फॉरेस्ट कवर नॉट ट्री कवर, ठीक है। तो इसमें जो ओपन फॉरेस्ट और मीडियम डेंस फॉरेस्ट और वेरी डेंस फॉरेस्ट हैं, ठीक है, तो उनका परसेंटेज कितना है इन टोटल परसेंटेज, जितना आपका टोटल फॉरेस्ट परसेंटेज ऑफ बिहार है 7.84%, ठीक है। इसमें ओपन फॉरेस्ट सबसे ज्यादा शेयर ऑफ पाई कवर करता है, दैट इज 4%। टोटल फॉरेस्ट शेयर में बिहार के, जो कि टोटल फॉरेस्ट कितना है 7.84% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार, ठीक है। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार लगभग 7000 के आसपास है, 7000 कुछ, ठीक है। तो इसमें 4% सिर्फ आपका ओपन फॉरेस्ट है, मीडियम डेंस फॉरेस्ट 3.49% लगभग थोड़ा सा आसपास है, ठीक है, और सबसे कम आपका वेरी डेंस फॉरेस्ट आता है, मीडियम इज जो है आपका सबसे कम है, वेरी डेंस फॉरेस्ट सबसे कम है। तो सबसे ज्यादा क्या है टोटल फॉरेस्ट में, क्या है ओपन फॉरेस्ट, और उसके बाद मीडियम डेंस फॉरेस्ट, देन वेरी डेंस फॉरेस्ट, ठीक है। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है उसका जो है शेयर सबसे कम है। नाउ हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इन बिहार इन टर्म्स ऑफ एरिया, एरिया वाइज हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इन बिहार कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो एरिया वाइज या क्षेत्र के अनुसार, ठीक है, सबसे ज्यादा वन कहाँ पे है, कैमूर में है। क्षेत्रवार अगर देखें, सॉरी क्षेत्र के जो है अनुसार देखें तो सबसे ज्यादा कहाँ पे है वन, कैमूर में, ठीक है, कैमूर में एरिया वाइज, ठीक है। उसके बाद वेस्टर्न चंपारण, देन रोहतास, ठीक है, वेस्टर्न चंपारण देन रोहतास। तो सबसे ज्यादा एरिया वाइज कहाँ पे है, कैमूर में, कैमूर में पहले नंबर पे, उसके बाद वेस्टर्न चंपारण, तीसरे नंबर पे आता है रोहतास। ये तीन टर्म से याद रखेंगे तो इट इज मोर देन इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। अब देखते हैं लोएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट तो देख लिया, लोएस्ट एरिया वाइज। तो सबसे कम एरिया वाइज जो वन है, ठीक है, फॉरेस्ट है, ठीक है, वन ट्रीज की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, एरिया वाइज सबसे कम जो है फॉरेस्ट वो कहाँ पे है, वो है शेखपुरा में। दो शेखपुरा इज नॉट द स्मॉलेस्ट स्टेट, ठीक है, सबसे छोटा राज्य जो है, जिला जो है, डिस्ट्रिक्ट बिहार का है वो है शिवहर, शिवहर है, ठीक है। लेकिन सबसे वन कम कहाँ है, वो है शेखपुरा में, शेखपुरा शायद सेकंड नंबर पे आता है छोटे उसमें। उसके बाद आता है अरवल, अरवल जो कि जहानाबाद से ही अलग हुआ है, ठीक है, उसके बाद जहानाबाद। तो सबसे कम वन क्षेत्र जो है शेखपुरा में है, उसके बाद अरवल में, फिर जहानाबाद में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नाउ बात करते हैं हाईएस्ट फॉरेस्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो परसेंटेज के टर्म में बिहार के किस जिले में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, तो कैमूर सेम है, उसमें भी एरिया में भी और परसेंटेज में भी। यहाँ वेस्टर्न चंपारण था, वेस्टर्न चंपारण की जगह जमुई ले लिया। वेस्टर्न चंपारण किस में है, एरिया में है, सेकंड नंबर पे, एरिया वाइज सेकंड पे क्या है, वेस्टर्न चंपारण है सेकंड पे। लेकिन यहाँ पे क्या है, जमुई ने उसका स्थान ले लिया। उसके बाद नवादा आता है, नवादा, यहाँ पे रोहतास था, तो इतना थोड़ा सा चेंज हुआ है। लेकिन लोवेस्ट में जो है परसेंटेज वाइज में बहुत ज्यादा आपको चेंज नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है, जैसे कि शेखपुरा अपना पहला स्थान बनाया हुआ है लोवेस्ट में। पहला स्थान क्या है, शेखपुरा का है। सेकंड नंबर पे बक्सर एंड सिवान, ठीक है, सेम नंबर ऑफ परसेंटेज इनको मिलते हैं तो एक ही में रखा गया। और फोर्थ पोजीशन पे है गोपालगंज, ठीक है, या इसको थर्ड पे भी आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज लोवेस्ट क्या था, ठीक है। हाइएस्ट क्या परसेंटेज जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज देख लेते हैं कि जो फॉरेस्ट टाइप है कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सा सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, ठीक है। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट आपको सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलते हैं, वीडीएफ जो है वेरी डेंस फॉरेस्ट, जो कि सबसे कम परसेंटेज आता है। अगर टोटल की बात करें, सबसे कम इसका जो है आकार है वेरी डेंस फॉरेस्ट का, ठीक है। टोटल फॉरेस्ट जो 7.84% है उसमें वीडीएफ जो है सबसे कम आता है। लेकिन वीडीएफ सबसे ज्यादा किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, तो ये वेस्टर्न चंपारण है। एमडीएफ भी यानी वीडीएफ यानी वेरी डेंस फॉरेस्ट और मीडियम डेंस फॉरेस्ट सबसे ज्यादा वेस्टर्न चंपारण में पाए जाते हैं। लेकिन ओपन डेंस फॉरेस्ट सबसे ज्यादा कैमूर में पाया जाता है और सबसे ज्यादा परसेंटेज भी ओपन डेंस फॉरेस्ट का है, दैट इज 4%, ठीक है। और सबसे ज्यादा ये कैमूर में पाए जाते हैं, दैट्स व्हाई कैमूर इज ऑन फर्स्ट पोजीशन इन टर्म्स ऑफ टोटल फॉरेस्ट कवर इन टर्म्स ऑफ एरिया आइदर ऑफ परसेंटेज, ठीक है, कैमूर इज ऑन फर्स्ट पोजीशन। चलिए चलिए, नाउ हाईएस्ट ग्रोथ रेट देखें अगर फॉरेस्ट की एरिया वाइज, तो सबसे ज्यादा कहाँ पे हुआ है, बांका में हुआ है। बांका इज द डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट में वृद्धि हुई है। कहाँ पे हुई है, बांका में, ठीक है। अगर लोवेस्ट ग्रोथ की बात करें तो वो कहाँ हुआ है, तो वही आपका जो है नेशनल फिगर की सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है वहीं पे सबसे ज्यादा गिरावट भी देखने को मिलती है। जैसे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट हमारे इंडिया में अगर देखें तो वो है नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन सबसे ज्यादा डिक्लाइन हमको कहाँ देखने को मिलता है, वो नॉर्थ ईस्ट में ही देखने को मिलता है। तो ये भी, यहाँ भी वही सीन है। हाईएस्ट ग्रोथ रेट हमको एरिया वाइज दिखी है बांका में और लोवेस्ट दिखी है कैमूर में, ठीक है। लोवेस्ट जो है हमको दिखता है वो कैमूर में दिखता है, एरिया वाइज लोवेस्ट ग्रोथ रेट कैमूर में है। नाउ परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड फॉरेस्ट एरिया, व्हाट इज शेड्यूल्ड फॉरेस्ट एरिया? शेड्यूल्ड फॉरेस्ट एरिया इज समथिंग कि जिसको गवर्नमेंट ने अपने डेटा में रखा है, ठीक है, गवर्नमेंट के एक्ट के हिसाब से, डेटा के हिसाब से जो है वो शेड्यूल्ड फॉरेस्ट एरिया। तो टोटल कितना है, 7.1%। लेकिन अगर टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ इंडिया एज पर ISFR देखें, ISFR 2021 इन बिहार कितना है, 7.4 समथिंग परसेंटेज है ना। चलिए वो देख लीजिएगा। चलिए ड्राई डेसिडुअस मिक्स फॉरेस्ट, लार्जेस्ट फॉरेस्ट इन बिहार कौन सा है, मतलब लार्जेस्ट शेयर ऑफ फॉरेस्ट इन टोटल फॉरेस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट फॉरेस्ट इन बिहार चैंपियन और सेठ के वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन के हिसाब से, चैंपियन एंड सेठ के क्लासिफिकेशन के हिसाब से कौन सा लार्जेस्ट फॉरेस्ट इन बिहार है, तो ड्राई डेसिडियस मिक्स फॉरेस्ट, ये आपके ISFR रिपोर्ट में दिया है, ध्यान दीजिएगा। और इन्होंने चैंपियन सेठ ने बिहार में कितने प्रकार के वनों का बताया कि कितने प्रकार के वन है, तो 15 तरीके के वन बताए हैं। 15 टाइप ऑफ फॉरेस्ट हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय चैंपियन एंड सेठ इन बिहार, ठीक है। तो इसमें जो लार्जेस्ट शेयर है वो बताया गया ड्राई डेसिडियस मिक्स फॉरेस्ट, ठीक है। चलिए, ठीक है, एरिया प्रोन टू फॉरेस्ट फायर बिहार का टोटल कितना है, ये 35.96% ऑफ बिहार टोटल ज्योग्राफिकल एरियाज आर प्रोन टू फॉरेस्ट फायर, ठीक है। चलिए, ये इंपॉर्टेंट, बस इतना ही डेटा आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, इससे बाहर जो है आपके किसी फॉरेस्ट रिपोर्ट से कहीं से भी नहीं आएगा। और टोटल कार्बन स्टॉक जो बिहार में वो कितना है, 0.79% ऑफ द कंट्रीज कार्बन स्टॉक, ठीक है। जितना आपके देश में कुल कार्बन स्टॉक है उसका 0.79% जो है कार्बन स्टॉक कहाँ पे है, बिहार में। और बिहार में टोटल कार्बन स्टॉक कितना है, 208.56 मिलियन टन, ठीक है। 208.56 मिलियन टन इज टोटल कार्बन स्टॉक कैपेसिटी ऑफ बिहार, ठीक है, विच इज 7.79% ऑफ द कंट्रीज कार्बन स्टॉक, ठीक है। चलिए, नाउ अब इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है, हमने पूरा ISFR का डेटा देख लिया है और इससे बाहर 100% कुछ नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आ सकता है, ठीक है। तो वो जो वेरी डेंस फॉरेस्ट वाला जो था वो कहाँ पे सबसे ज्यादा है, किस डिस्ट्रिक्ट में, चंपारण में वो क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो उस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो उसको एक से दो बार आप इस वीडियो को जरूर देख के जाएं अपने एग्जामिनेशन से पहले, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन बिहार, ठीक है, तो कितने हैं टोटल, 12 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं, वाइल्ड लाइफ और बर्ड सेंचुरी मिला के, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कितनी है, 12 है। नेशनल पार्क कितना है, तो एक है नेशनल पार्क, दैट इज वाल्मीकि, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क, ठीक है, पहला, ठीक। और यहाँ पे एक यहीं पे पड़ता है, इसको एक नंबर दे दें, उदयपुर, उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, पहले पे ये हो गया, ठीक। इसके बाद कहाँ पे, इसके बाद आ जाएंगे हम लोग भागलपुर, भागलपुर में क्या है, विक्रमशिला, विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी भागलपुर में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी। नाउ कैमूर में, जो कि कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो कहाँ पे, कैमूर में पड़ती है, कैमूर भभुआ में, ठीक है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पे है, कैमूर में है, इसी नाम से। गया में कौन सा है, गया में गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो ये 3 नंबर इसको दे दिया जाए, इसको 4 नंबर, ठीक है, 4 नंबर, कितने हो गए, 4 हो गए। और बताइए, ठीक है, मुंगेर चलते हैं, मुंगेर में कौन सी है, कहाँ पे गया मुंगेर, मुंगेर में भीम बांध, भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। जमुई में 2 हैं, ठीक है, ये हो गया कितना अपना 5, जमुई में नागी एंड नटकी डैम बर्ड सेंचुरी है, ये बर्ड सेंचुरी है, नागी नटकी बर्ड सेंचुरी, ठीक है। अभी चलते हैं इसके बाद बेगूसराय, बेगूसराय में क्या है, भागलपुर के बाद ये बेगूसराय, बेगूसराय में कंवर, कंवर झील या कंवर लेक, ठीक है, विच इज द ओनली रमसर साइट ऑफ बिहार विच वॉज डिस्क्राइब या डिक्लेयर्ड इन 2020 अगस्त, ठीक है, कौन सी है वो बताइए, ठीक है। और चलें तो कटिहार में क्या है, कटिहार में गोगा बिल, ठीक है, साथ ये 8, कटिहार में गोगा बिल बर्ड सेंचुरी। इधर जो आपको देखिएगा सारी के सारे बर्ड सेंचुरीज ही हैं इस एरियाज में, वेस्टर्न जो है ईस्टर्न साइड में ज्यादातर आपको बर्ड सेंचुरी दिखेगा, ठीक है, बर्ड सेंचुरी दिखेगा। और उसके बाद सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, वैशाली, सलीम अली, सलीम अली। पंत कहाँ पे है, पंत, राजगीर में पड़ता है पंत, पंत ठीक है, पंत कहाँ, राजगीर यानी नालंदा में पंत, ठीक है, पंत हो गया राजगीर नालंदा में, पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसको राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, कौन सा, पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो पूरा लिखें, ठीक, तो ये हो गया आपका पंत या राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नालंदा में, ठीक है, पंत या राजगीर। जो सलीम अली है इसको बरेला झील के नाम से भी जानते हैं, कौन सा झील, बरेला झील, बरेला, ठीक है, यानी बर्ड सेंचुरी ही होगा। जितने भी झील या लेक्स के पास हैं वो सारी आपकी बर्ड सेंचुरी हैं, ठीक। उसके बाद है कुशेश्वर स्थान, कहाँ पे है कुशेश्वर स्थान, कुशेश्वर स्थान दरभंगा में, कुशेश्वर स्थान बर्ड सेंचुरी दरभंगा, कुशेश्वर स्थान कुशेश्वर दरभंगा में, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरीज और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज रही बिहार की, जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। और गौतम बुद्ध गया में है, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये बताइए आप कमेंट में कि पटना में क्या है इम्पोर्टेंट रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ, ठीक है, पटना में क्या है। चलिए ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त किया जाता है। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। और हमारा जो प्रोग्राम है दैट इज एकलव्य श्योर शॉर्ट प्रीलिम्स, ठीक है, उसको हम रिफ्रेश कर रहे हैं, ठीक है, 2 दिन बाद वो फिर से लॉन्च किया जा रहा है, ठीक। तो आप उसको जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं, फीस इज ओनली 1000 रुपीज, ठीक है, फॉर 100% और श्योर सिलेक्शन इन योर BPSC 68th प्रीलिम्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।